प्रदीप जी, देखिए अब बॉल जो है आपके पाले में चली गई है, यानी केंद्र में अब लड़ाई लड़ी जाएगी। ये बात सुरेंद्र साहब भी कह चुके हैं और विधायक भी कह रहे हैं, सत्ता दल के विधायक जो है वो कह रहे हैं कि अब केंद्र में लड़ाई लड़ी जाएगी, हमने राज्य से तो अपना बिल पास करवा दिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सहमति जताई है झारखंड में, अब केंद्र में भी आवाज उठाएगी क्या बीजेपी के नेता, जो भी सांसद हैं या जो भी विधायक हैं आप लोगों? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जब अपना मैनिफेस्टो तैयार करना शुरू किया होगा चुनाव के समय, तो हाँ उन्होंने बड़ी सोच समझ के अपने वोटरों को रिझाने के लिए ये विषय डाला कि 1932 का हम खतियान लागू करेंगे। लेकिन उसमें उनको पूरा भरोसा होगा मैनिफेस्टो बनाने के वक्त कि जनता, राज्य की जनता हमें बहुमत देगी और हम अपने बूते इसको बना लेंगे। लेकिन अब जबकि इनको जनता का दबाव पड़ने लगा कि 2.5 साल बीत गए उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं इस दिशा में, तो अपनी जो गठरी थी सिर से उतार कर वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो अगर मैनिफेस्टो में एक लाइन लिख दिया होता कि 32 का खतियान लागू करेंगे, केंद्र की सरकार को नवी अनुसूची में डालने के लिए भेजेंगे, तो इनकी विश्वसनीयता बढ़ती। लेकिन राजनीति का विषय यही है कि अपनी गठरी दूसरे कंधे पर डाल के मुक्त हो जाओ कि हम तो भाई अपना काम कर दिए, अब आप समझिए क्या करना नहीं करना। और जहां तक प्रक्रिया की बात आपने इनको समझाई, मैं समझता हूँ कि सारा कुछ इनको पता है कि प्रक्रिया में कहाँ विषय कहाँ उलझेगा। और जो झारखंड के संदर्भ में ही लोग सोच रहे हैं कि झारखंड में ही इसका फैसला हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि आपने सही कहा कि इसका पूरा असर भारत भर में होने वाला है, क्योंकि जहां जहां भी आदिवासी संख्या है और इस तरह के जो इशू है, 5th शेड्यूल का सिर्फ एक राज्य झारखंड ही होगा मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, और कहीं कहीं पर प्रावधान होंगे। तो इस विषय को मुख्यमंत्री जी को पहले रास्ता बनाने की आवश्यकता थी। लेकिन तो एक बात और, आपने भी यहाँ पर मजेदार एक बात कही है प्रदीप जी, आपने जी, ये कहा कि दरअसल मैनिफेस्टो में इनको ये बताना चाहिए था कि हम इसको केंद्र सरकार को भेजेंगे। ये एक मतलब आप इसको मजेदार बात कहें, हास्यास्पद, मतलब कैसी कुछ भी बोल सकते हैं, ये चीज तो प्रकली है, मतलब ये तो कोई ऐसी नई चीज नहीं हो रही है, ये तो प्रक्रिया है।